जागो मोहन प्यारे तुम, जागो मोहन प्यारे तुम, सावरी सूरत मोरे मन भाए, सावरी सूरत मोरे मन भाए, सुंदर श्याम हमारे तुम, जागो मोहन प्यारे तुम, जागो मोहन प्यारे। समय उठी भानु दे भय, प्रात समय उठी सनी सरे सा नी सरे सनी सा धनी सा धनी सा धनी सा नी सा धनी धसा नी नी सा धनी सा धसा नी धनी धा पमा धा पमा गा पमा गा मरे मा गरे गरे सा नी रे सा। प्रात समय उठी भानु, प्रात समय उठी भानु दे भय, ग्वाल बाल सब भूपति ठारे, दर्शन के सब भूखे प्यासे, उठिए नंद दुलारे तुम, जागो मोहन प्यारे। सर गम प रे गम प ध नी म प ध नी सा नी सा रे ग रे ग रे सा धनी सा नी सा नी धा म प ध ब ध ब म ग रे ग रे ग रे सा नी सा। जागो मोहन प्यारे रे गम प रे गम प ध गम प ध नी म प ध नी सा ओ प ध नी सा रे ग रे सा नी सा धनी सा नी सा नी धनी ध ब म ध ब म ग प म ग रे म ग रे सा ग रे सा नी रे सा। पंडित जी वो गलती से फॉल्सेटो चला गया, माफ कर दीजिए। कल से मत आना। यहां संगीत की साधना होती है, सिर्फ शौक पूरा करना हो तो यहां वक्त बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। पूरा विपस्सम सहलिया पंचम करत श्रृंगार, भेगवरी तोड़ी राम कली भेरा मेघ मला,
कल सुबह डॉक्टर अवस्थी से मिलने चलेंगे। नहीं कोई जरूरत नहीं। राधे ने नाश्ता कर लिया? नहीं वो छत पर रियाज कर रहा है। लगता है घंटा बंधवा के ही मानेगा। वो अभी तैयार नहीं है। काबिल तो है वो। हाँ उसकी काबिलियत पर शक नहीं है मुझे, लेकिन एकाग्रता नहीं है उसमें। एग्जाम चल रहे हैं फिर भी 8-8 घंटे रियाज कर रहा है वो। कमी रह गई रियाज में। भाभी जरा हलवा देना। देखो राधे कामयाब हो ये मुझसे ज्यादा और कोई नहीं चाहता, लेकिन वो मेरा पोता है इसलिए मैं उसके साथ नरमी बरतूं ये उम्मीद मुझसे मत करना। हमसे तो उम्मीद पहले ही छोड़ चुके हैं। राधे तो लाडला है उनका, उसमें अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं वो, इसीलिए इतना सख्त रहते हैं उससे। और जब जब पंडित जी को किसी पे इतना प्रेम आया है उसकी तो जिंदगी तबाह करके ही माने हैं वो। Yolo Jilo takes me to another place. Like it's playing now in my cafe. So I'm going to another cafe. Enough. Lights on. Project off. Kahan hai wo? I'll just check. Haan, kahan pahunchi ho? Yaar, main thoda dur hu. Okay. Ceiling pe ho? Actually, thoda zyada dur. Oh. Highway pe? एक्चुअली यार क्या जोधपुर में। ओके ओके हाँ हाँ आई जस्ट यू नो शी इज जस्ट बेन चूत। काम डाउन यार क्या। डोंट फकिंग टेल मी टू काम डाउन यार। यू फक थिंग्स अप एंड देन यू बजाओ एवरीबॉडी लाइक यू वर बोर्न इन अ फकिंग शादी बैंड। Hey, listen, people at JP are panicking, man. They're panicking. We need to do some serious damage control and you've gone off to Jodhpur to fuck a camel. Mera wahan pe dam ghut raha tha Arya. I needed a change of scene. I just need to get out of there. No, you don't understand, Tamanna. You have the most coveted contract at JP because I fought tooth and nail for you. These fuckers sitting inside, na, they think that you're a fucking flash in the pan, yeah. Don't be so pessimistic, na, Arya. It's been, what, 24 hours? The song will pick up. Song flop hone ke liye 24 ghante kaafi hai. तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात शुरू हो चुकी है। How the fuck can you say that, Arya? You know I worked my fucking balls off for this, na? The deal was for 3 hits, darling. Fuck! Oh my god! Arya, listen. मुझे 2 हफ्तों का टाइम दे दो। मैं ऐसा गाना बना के दूंगी ना, सबका मुंह बंद हो जाएगा। ये बोल बच्चन बंद कर and you come and face the fucking fire, yeah? मुझे पता है वहाँ क्या होने वाला है। पहले सब बैठ के मेरे ट्रोल्स पढ़ेंगे, फिर रीस्ट्रेटेजाइज करेंगे, फिर रिसर्च टीम बैठाएंगे, which is not going to be productive and you know that, Arya. Please buy me 2 weeks. I fucking. You've made my life hell, yeah. Yes, I love you. Fuck you. जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। राधे ये देखो
चतुर्भुज के गुलाब जामुन एकदम गर्मा गर्म लाया ले खाना। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा, राठौड़ खानदान का पहला लड़का है तू जो ग्रेजुएट होने वाला है। मैंने ना मुंशी जी से तेरी नौकरी के लिए बात कर लिया। उनको तो विश्वास ही नहीं हुआ कि राठौड़ खानदान में ऐसा कोई हो सकता है जिसको अकाउंटिंग आती हो। पापा मुझे अकाउंटेंट थोड़ी ना बनना है, मैं संगीत को अपना करियर बनाना चाहता हूँ पापा। मैं पंडित जी की तरह संगीत सम्राट बनना चाहता हूँ। पागल हो गया है तू? तेरा तो अभी गंडा बंधन भी नहीं हुआ है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, मुझे रियाज को और वक्त देना है पापा। ये नौकरी अब साल का था जब मेरा गंडा बंधन हुआ था। मेरे साथ के कमजोर शिष्य भी बाहर जाकर पंडित उस्ताद बन गए, लेकिन मैं पंडित जी की शाबाशी के लिए रुका रहा। 30 साल तक हर रोज रियाज करता रहा, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन वो मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। आपकी तकलीफ मैं समझता हूं पापा, कि मैं बिना कोशिश की हार तो नहीं मान सकता। 3 महीने हो गए तेरे दादाजी की पेंशन बंद हो गए। क्यों? बस पंडित जी को पता है इस बारे में? नहीं, उनको पता चलेगा तो उनको बुरा लगेगा ना बेटा। 3 महीने से धक्के खा खा कर परेशान हो गया बेटा, उनकी पेंशन के बिना घर नहीं चल रहा है। और पंडित जी को तो तुम जानते ही हो ना, वो कॉर्पोरेट शोज करेंगे ना फिल्मों में गाने गाएंगे, और जो थोड़े बहुत स्टूडेंट आते हैं उनको भी बात बात पे निकाल देते हैं। बेटा परिवार को तेरी मदद की जरूरत है। डैड, गाना फ्लॉप हो गया है। Have I been a fluke? I'm just some so confused, I feel like shit. बेटा, come on यार, कैसी बातें कर रही हो तुम? पागल हुए हो क्या? Everything will be okay. Nothing will be okay, Dad. I've gone and made things worse for myself. मैंने आर्या को बोल दिया कि मैं 2 हफ्तों में उसे एक हिट गाना दूंगी। मेरे पास कोई आइडियाज नहीं है। How can I possibly do this? And they might cancel my contract. You know, I'm so close from living my dream of singing with Queen Ellie. I can't fail right now. I just can't. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। I'm very lost. But तुम ही कहती हो ना कि it's a crisis that fuels an artist. A crisis won't do it, Dad. I need nothing short of a miracle. You know what? What you need is a concert. बहुत बुरा idea है। मेरे पास concert के लिए time नहीं है। I need to get over this creative block and crack the song. अरे पर that's what the concert will help you do ना? कैसे? बेटा, studio में machines के साथ, हाँ, तुम music बना सकती हो, लेकिन inspire नहीं हो सकती ना? You're a people's person, यार। बाहर निकलो, लोगों से कनेक्ट करो, और बना लो अपना गाना। YOLO जीलो। It was a terrible idea coming back home. पर हम जोधपुर में कॉन्सर्ट कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? एक लड़का है जोधपुर कॉलेज का, वो जनरल सेक्रेटरी है, वो शहर में सबको जानता है, वो हैंडल कर लेगा, काफी चलता पुरजा है। पंडित जी, अबे रुकना, कहाँ जा रहा है?
क्या हुआ? क्या हुआ, जैकपॉट लग गया भाई। तमन्ना का कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर रहा तेरा भाई। कौन तमन्ना? अबे कुए के मेंढक, जितने तेरे शरीर में बाल नहीं है बेटा उतने उसके यूट्यूब पे फॉलोवर्स हैं। सुन सुन, या तो बच्चे लोग देख रहे हैं, अपन चलते हैं सरदार मार्केट, टूरिस्टों को बेचेंगे। मैं नहीं आ सकता। अबे यार, एक दिन आठ घंटा रियाज नहीं करेगा? रियाज नहीं है, नौकरी पे जाना। क्या वहाँ क्या कर रहा है भाई, ये नौकरी वोकरी के चक्कर में कहाँ पड़ गया? छोड़ ना, तुझे बाद में समझाता हूँ। मैं मिलता हूँ तुझे, अभी निकलना है। ठीक है, तो फिर संगीत से नमस्ते। क्या मुंह लटका के बैठा हुआ है यार, सीधे जाके पंडित जी को बोल देना भाई नहीं करनी है नौकरी। अरे पापा को पैसों की जरूरत है कबीर, और पंडित जी को इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। यार बुढ़ाओ से तुम्हारी इतनी फटती क्यों है भाई? भाई फटती नहीं है, रिस्पेक्ट करते हैं हम सब उनकी। जरा अपने आसपास देख यार, ये फोन में घुसी व्हाट्सएप और मीम से डिस्ट्रैक्ट होने वाली दुनिया में ना पंडित जी 18 साल से एक ही राग का रियाज कर रहे हैं। 25 साल से जोधपुर के संगीत सम्राट है वो, या वो जब गाते हैं उनके सामने हिज हाइनेस भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। पंडित जी ने पद्मश्री तक को त्याग दिया है, पता है क्यों? क्योंकि अगर वो 3 दिन दिल्ली में रहते तो उनका रियाज मिस हो जाता कबीर। बड़ा बहुत ही बड़ा चू, पागलपंती नहीं है? छोड़ यार, तू नहीं समझेगा यार, ऐसा जुनून ऐसा फोकस ना मुझे अपने संगीत में चाहिए कबीर। मैं उनके जैसा 10% भी बन जाऊं ना मेरे लिए बहुत है, बस एक बार मेरा गंडा बंधन हो जाए। क्या गंडा? क्या गंडा बंधन? शास्त्रीय संगीत में एक गुरु अपने सबसे होनहार शिष्य को ना गंडा बांधते हैं, धागा बांधते हैं, एक जैसे कराटे में ब्लैक बेल्ट होता है वैसे ही। और इस शिष्य को ना अपने घराने के सबसे खास राग और उनको गाने की सीक्रेट टेक्निक्स जो होते हैं वो सिखाए जाते हैं। हाँ, पर पंडित जी ने 40 साल में सिर्फ 7 ही लोगों का गंडा बंधन किया है भाई। ये हाथ में गंडा के चक्कर में ना गान में डंडा हो जाएगा। मेरी बात सुन, इंडियन आइडल का एक कोऑर्डिनेटर है, मैं जानता हूँ उसे, वहाँ ट्राई कर, अच्छा गाएगा, पैसे कमाएगा, फिर तो फेमस हो जाएगा भाई। दोनों मिलकर इतनी सारी लड़कियों की लेंगे, फक, प्रॉब्लम सॉल्व। कितना जीने से मैं यार। भाभी फोन। हेलो। अरे भाई साहब, आपको कितनी बार कहा है घर पे फोन मत किया कीजिए। अब मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन आप भी तो मेरी परेशानी समझिए ना जी। मैं आता हूँ कल, हाँ बैंक में आऊंगा, मैनेजर साहब से मिलूंगा। कौन था? अरे वो फालतू के फोन आते रहते ना, इंश्योरेंस क्रेडिट कार्ड, कटवा दूंगा ये फोन में। वो पाइप फटा हुआ है पीछे का, मैं कब से कह रही हूँ प्लम्बर बुलवा दीजिए। प्लम्बर क्या जरूरत है, ये बैठा ना जुगाड़ू अंट शंट बात ही बनाता रहता है, इसकी ठोका पीटी कुछ तो घर के काम आए। बेटा तुम बहुत भाग्यशाली हो, ये काम बहुत जिम्मेदारी का है, सारे दिन काम की एंट्री कर देना और शाम को उसका हिसाब दे देना, वो तुम्हारी जगह है। एक टाइम का खाना मिलेगा, 2 टाइम की चाय मिलेगी, और क्या चाहिए बेटा है? मोहसिन बेटा इधर आओ, इनके साइज की एक यूनिफॉर्म निकलवा जी। जाओ बेटा काम शुरू कर दो।